ये कम से कम 60-65 रुपीस का ये एक पार्ले जी का ही पैकेट है। इसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि कितना एक्सपेंसिव है ये कंट्री। आप कह सकते हो 1600 रुपए का 5 किलो आटा, 5 किलो से भी कम 1600 रुपए का। तो ये मोमोज है $10, 800 रुपए के में शायद 8 मोमोज मिलेंगे इसके अंदर आपको। हाय ऑल एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो बहुत दिन हो गए थे हम यहाँ यूएस में एज स्टूडेंट बाहर से खाना खा रहे थे, नहीं तो यूजली कुछ इंडियन खाना नहीं खा रहे थे, पिज़्ज़ाज और बाकी जो नूडल्स वगैरह होता है सब खा रहे थे। तो आज मैं आई हूँ यहाँ पे इंडियन स्टोर में शॉपिंग करने के लिए। मेरे पीछे आप देख सकते हो ये है पटेल ब्रदर्स विच इज़ अ चेन ऑफ इंडियन स्टोर्स अक्रॉस द यूएस। और यहाँ पे लिटरली जो भी इंडियंस को ग्रोसरीज के लिए सामान चाहिए होता है लाइक इंडियन दाल चावल एंड यू नो आटा जो भी हो घी, तो ये सब आपको बाकी स्टोर्स में यूजली नहीं मिलता है। ऑथेंटिक इंडियन सामान तो वो आपको यहाँ पे मिलता है। और आपको और भी जैसे बिस्किट्स हो गए, पार्ले जी, जो भी बेसिकली इंडियन प्रोडक्ट्स होते हैं आपको यहाँ मिलते हैं। तो चलो आज मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ शॉपिंग एक्सपीरियंस कैसे रहता है। अंदर जाने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी, जो प्राइजेज़ आपको इंडिया में मिलती है आपको वहाँ से कम 3 या 4 गुना ज़्यादा प्राइजेज़ सेम प्रोडक्ट यहाँ मिलेंगी, विच विल बी सरप्राइज टू सी। तो चलिए और आज शॉपिंग करते हैं कि इंडियन स्टोर में इन दी यूएस। पहले हम लेंगे अपनी कार्ड शॉपिंग करने के लिए। और अगर मैंने आपको बताया नहीं तो फिर बता दूँ, वी आर एट पटेल ब्रदर्स विच इज़ इन इंडियानापोलिस। नवरात्रि चल रहे हैं, आज 30th September है, तो सारा नवरात्रि से रिलेटेड आपको जो सामग्री है यहाँ पे, माता जी की प्रतिमा और जो अगरबत्ती होती है, जो भी और एसेंशियल्स होते हैं, जो वस्त्र होते हैं, वो सब यहाँ पे है। और नवरात्रि का खाना भी है। और अगर आप अभी ख्याल से सुनो तो पीछे बैकग्राउंड में गुजराती गाने बज रहे हैं। तो यहाँ पे आते ही सबसे पहले जो एक सेक्शन आया वो है सारी इंडियन स्वीट्स का। और यहाँ पे है काजू कतली जो है अराउंड 340 ग्राम और ये $10 की है प्लस टैक्सेस, तो मतलब ये कम से कम आप कह सकते हो 800-850 रुपये तक होगी है आराम से। एंड दिस इज ओनली 340 ग्राम ऑफ काजू कतली। और ऐसे ही देखिए यहाँ पे बर्फी है और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, तो प्राइसेस रीड कर सकते हैं आप, बस 81 करके कन्वर्ट कर सकते हैं कितना एक्सपेंसिव है यहाँ पे सब। लिटरली बूंदी के लड्डू यहाँ $60 के एंड दिस इज लाइक अप्रॉक्सीमेटली 7-8 लड्डू। को आप देख सकते हो कि कम से कम 600-700 रुपये के तो यहाँ लड्डू ही है। तो यहाँ पे आपको लिटरली सारी वेजिटेबल्स भी हैं जो मिल जाती हैं, काफ़ी सारी इंडियन वेजिटेबल्स होती हैं जो यूजुअली अमेरिकन स्टोर्स में इजीली अवेलेबल नहीं होती हैं, तो यहाँ पे आपको वो भी सब कुछ मिल जाएगा। तो यहाँ पे है करी पत्ता जो लिटरली हम तरस गए, हमें मिला नहीं कहीं पे, तो यहाँ पे देखिए करी पत्ता है जो है, और तो करी पत्ता और इसी के साथ में है पुदीना मिंट जो जगह जगह उग जाता है वैसे। तो ये कितने का है, करी पत्ता है 149 मतलब 150 रुपीज़ और मिंट भी उतना, तो ये एक पैकेट 150 रुपये का है जिसको आप अभी देख रहे हो। और करी पत्ता तो घर में ही लगा रहता, कभी लिया नहीं हमने। यहाँ देखिए सरसों का साग और ये रही मेथी, देख सकते हो कितना एक्सपेंसिव है। ये देखिए ये फेमस जो एक पाइनएप्पल पेस्ट्री होती है जो आपको कहीं नहीं मिलती, लिटरली आपको इंडिया में मोस्टली ये मिलती है, ये $3 मतलब 250 रुपये तक की है ये। अभी हम यहाँ बिस्किट्स के सेक्शन में, और मैं आपको बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाना चाहती हूँ। यहाँ पे है पार्ले जी बिस्किट, पार्ले जी गोल्ड, जो अपने मतलब तो इंडिया की पहचान है लिटरली। और ये शायद इंडिया में पैकेट 10 रुपए का होगा आई गेस। और यहाँ पे अगर आप देखो तो
79 सेंट्स, तो मतलब ये कम से कम 60-65 रुपीज़ का ये एक पार्ले जी का ही पैकेट है। इसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि कितना एक्सपेंसिव है ये कंट्री। और ये देखो एक किलो का पार्ले जी का पैकेट जो है ये $5, मतलब 400-420 रुपए का ये इतना पार्ले जी है। ये देखिए ये है हमारी पंजाबियों की रेवड़ी जो यहाँ पे मिल रही है। ज़्यादा मतलब ये कितना होगा क्वांटिटी, शायद ये 400 ग्राम है, मतलब आधा किलो से भी कम है। और ये है अराउंड 350-350 रुपए की। ये देखिए ये 5 रुपीज़ का जो पार्ले जी आता है, लिटरली आपको यहाँ पे आई थिंक 25 रुपीज़ में मिल रहा है, आई थिंक 20 या 25। तो अब मैं वो चीज़ ले रही हूँ जो मैं यहाँ लिटरली लेने आई थी, वो है ये इट्स लाइक रेडी टू ईट दाल मखनी मसा, लाइक इसमें पूरी रेडी टू ईट ही रहती है। $3 है तो मतलब 240 रुपए की है। बट हमारा यहाँ इंडियन रेस्टोरेंट में खाना ज़्यादा महंगा होता है, तो उस हिसाब से स्टूडेंट्स वगैरह के लिए, जो लोग यहाँ पढ़ने के लिए आए हैं, फॉर देम दिस इज़ आइडियल। तो बहुत सारे ये सब जो है अब मैं स्टॉक करने जा रही हूँ, ये बहुत सारे। पतंजलि आटा नूडल्स 349। ये देखिए यहाँ पे घी है और ये अराउंड 1.5 या 1600 ग्राम, मतलब 1.6 किलो का होगा। और ये 2500 रुपए का घी है यहाँ पे। और ये नाना घी है, तो ये कैनेडियन ब्रांड है, मतलब ये प्रॉब्लली कैनेडा से आया है। और इंडियन घी जो है 1 लीटर घी आप कह सकते हो ये कुछ 1200 रुपए तक का होगा, थोड़ा सा उससे महंगा शायद होगा। ये देखिए आपको लिटरली सारा इंडियन सामान यहाँ मिलेगा, विच इज़ वेरी वेरी रेयर। और यहाँ पे देखिए बादाम रोगन, इनफैक्ट आपको फेयर एंड लवली भी यहाँ मिलेगी। $60 ही है ये फेयर एंड लवली, विच इज़ अराउंड 550 रुपये की एक ये फेयर एंड लवली है। मेरे पीछे आप देख रहे हैं पूरा फ्रोज़न सेक्शन, जहाँ पे आपको फ्रोज़न इडली, फ्रोज़न डोसा, इवन फ्रोज़न रोटियाँ, फ्रोज़न पनीर, सब कुछ आपको मिल जाएगा। ये देखिए आपको एक इंटरेस्टिंग चीज़ और दिखाती हूँ, ये है आशीर्वाद आटा, ठीक है। और ये देखिए ये भी है आशीर्वाद का आटा, अराउंड 5 किलो का भी नहीं है, उससे भी कम है। दिस इज़ अराउंड 4 किलोज़ एंड 50, मतलब 4.5 kg का है, एंड दिस इज़ फॉर $20। यस, तो ये है आप कह सकते हो 1600 रुपये का 5 किलो आटा, 5 किलो से भी कम 1600 रुपये का। तो ये मतलब यहाँ इतनी ही महंगाई रहती है, तो आप जब भी आएँ प्रिपेयर कर कर आएँ अपने आप को, लाइक नहीं तो आपको बहुत बड़ा शौक लगेगा। ये देखिए मेरे ही सामने यहाँ पे फ्रोज़न आपको बहुत सारा सामान मिल जाएगा, फ्रोज़न अनियन डोसा, फ्रोज़न इडली एंड उत्तपम, सब कुछ। ये देखिए फ्रोज़न मोमोज़ है $10, 800 रुपये के में शायद 8 मोमोज़ मिलेंगे इसके अंदर आपको। अभी मैंने अपनी पूरी जो है शॉपिंग यहाँ पे हमने कंप्लीट कर ली है, और आप हमारा कार्ड देख सकते हो इसमें कितना सारा सामान है। तो ये सामान इतना मैं बोल सकती हूँ कि इंडिया के अंदर टोटल होगा शायद
1200 रुपये का, नहीं तो मैक्सिमम करो तो बहुत ज़्यादा करो तो प्रॉब्लम 1400। चलो लेट्स फाइंड आउट यहाँ पे ये सारा सामान हमें कितने का पड़ा है। अब हम जा रहे हैं मेन जो है चेकआउट की तरफ। इस इंडियन स्टोर में लिटरली हमें सब कुछ मिल गया। ये लाफियत रोड पे है इंडियाना पुलिस और इसका नाम है पटेल ब्रदर्स। तो हमारी टोटल शॉपिंग जो है यहाँ पे हो चुकी है और आप देख सकते हो कि टोटल बिल बना है अराउंड $141, विच इज़ लाइक 10,000 रुपये से भी ज़्यादा का बिल है। और ये जो सामान है ये अभी इसके अंदर कुछ बहुत ज़्यादा यू नो एसेंशियल सामान वगैरह भी नहीं है, आटा नहीं है, चावल भी नहीं है, दाल भी नहीं है, फिर भी ये बस जनरल सामान ही है जिससे 10,000 से ऊपर का यहाँ पर बिल बन चुका है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस ब्लॉग। आई जस्ट होप आपको ये मेरा शॉपिंग एक्सपीरियंस पसंद आया होगा और आपने भी एक्सपीरियंस किया होगा कि US कितना एक्सपेंसिव है। तो यहाँ पर अगर आप स्टडी करने आ रहे हैं या काम करने आ रहे हैं तो पहले से ही अपने एक्सपेंसेस मान के चलें। लिटरली अभी इसके अंदर कुछ यू नो आई डिड नॉट बाय तेल नहीं ख़रीदा और चावल नहीं खरीदे, कितनी सारी चीज़ें नहीं खरीदी फिर भी कितना ज़्यादा बिल था, पर ये यहाँ पर बहुत कम है, ये मतलब बेयर मिनिमम ऐसे ही रहता है। इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और आपके कोई भी डाउट्स है तो प्लीज़ आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। आई विल सी यू इन अनदर व्लॉग। बाय बाय।